इस वक्त असम में इतनी बाढ़ आई हुई है कि 47 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अभी का आप आंकड़ा देखेंगे 2 घंटे पहले तक का, तो 89 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री की इस वक्त प्राथमिकता क्या है? हिमंत बिस्व शर्मा उन लोगों का स्वागत करना चाहते हैं जो कि एक अपोजिशन रूल स्टेट से उठाए हुए विधायक है, जिनको पहले सूरत लाया गया, उसके बाद उनको असम में जाकर टिकाया जा रहा है। उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी आवभगत, उनका वेलकम कर रहे हैं। दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, जहां पर इस वक्त बाढ़ से लोगों की हालत इतनी खस्ता, इतनी बुरी है। आप अभी गूगल करके सारी खबरें देखिएगा, तस्वीरें देखिएगा और आपको समझ में आएगा। ये इनकी प्राथमिकता है कि कोई ऑपोजिशन रूल स्टेट है वहां पर कैसे सरकार इस वक्त गिराई जाए। आप देखिए, अग्निपथ योजना आपके सामने ये कहकर लाई गई कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, पेंशन के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम अब ये 4 साल तक के लिए करना चाहते हैं। तो लेकिन इस पार्टी के पास पूरा पैसा है कि ये 40 MLA को पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करती, पहले सूरत में जाकर टिकाती है, उसके बाद फिर अब असम में लेकर जा रहे हैं। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल के दाम आपने पिछले कुछ दिनों में देख ही लिया कि ये कह कहकर कि जी पैसा नहीं है, पैसा नहीं, इसलिए हमको आपसे लेना ही पड़ेगा। हर चीज का पैसा आपसे लिया जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत आप देख लीजिए, 78 रुपए पहुंच चुका है। इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग सड़कों पर आए हुए हैं कह के कि जी आप हमें सिर्फ 4 साल के लिए क्यों रोजगार दे रहे हैं, हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे इतनी अपनी जवानी में। ये सारी खबरें आ रही हैं सामने, लेकिन उसके बाद भी इस पार्टी की प्राथमिकता ये है कि कैसे एक सरकार को गिराया जाए। अब यहां पर आप देखिए, MLC के जब चुनाव हुए और उसके बाद देखा कि जी बीजेपी बाजी मार गई कैसे, जबकि नंबर्स नहीं थे फिर भी बाजी मार गई, तो पता चला कि जी शिवसेना के जो MLAs हैं उन्होंने उधर की तरफ वोटिंग कर दी। और उसके बाद से अगले दिन से एकनाथ शिंदे, जो कि कहा जा रहा है पिछले 2 साल से इनसे बहुत नाराज चल रहे थे, उनसे सेटल करना चाहिए था ना, जो भी नाराजगी थी भैया आपका पुराना आदमी उससे सेटल करना चाहिए था। अब ये देखिए, नाराजगी जो थी इंटरनल थी, क्योंकि सामने सामने पब्लिक डोमेन में तो खूब तारीफें कर रहे थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, हमारा हिंदुत्व क्या है, हमारा हिंदुत्व हिंदुस्तान के लिए है, भारत के लिए हमारा हिंदुत्व है, इनके बीजेपी की तरह नहीं है, इस तरह की बातें लिखा भी करते थे, बोला भी करते थे। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत नाराज चल रहे थे, ठीक है नाराज चल रहे थे तो इनको मनाना चाहिए था, मनाया इनको नहीं गया। ये कहते हैं कि जी पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले लिए गए मुझे बिना उसमें इंक्लूड किए, जबकि ये पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर है, इनको वो सब चीजें नहीं दी गई जो ये चाहते थे, तो अभी उस तरफ चले गए हैं। अब इस बीच में मैं आपको एक खबर बताती हूं जो आपको सुनने को ऐसा लगेगा कि जैसे किसी बॉलीवुड की स्क्रिप्ट है, लेकिन बॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं है। जब इस तरह की खबरें सामने आती है, जब पिछली बार आपने देखा था देवेंद्र फडणवीस ने भी जब महाराष्ट्र में इसी तरह से एक दिन की अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी, तो भी अजीत पवार और उनके साथ के जो MLAs वगैरह थे उनको कैसे वापस लाए थे शरद पवार, पूरी एकदम बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह लग रही थी। बिल्कुल उसी तरह से CNN न्यूज 18 को एक एक्सक्लूसिव बातचीत में उस MLA ने अपना नाम अनोनिमस रखा है, नहीं बताना चाहता कि वो कौन है, लेकिन उसने अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उद्धव ठाकरे के लिए यह साबित किया कि जब हम सब MLAs को ये लोग लेकर जा रहे थे तो एकनाथ शिंदे ने इनको क्या कहा। एकनाथ शिंदे ने इनको बताया कि भाई ऐसा है कि मैं चाहता हूं तुम लोगों को किसी एक शख्स से मिलाना। तो इनको ये नहीं पता था कि इनको गुजरात लेकर जाया जाएगा, बेसिकली महाराष्ट्र से गुजरात इनको ले जाया जाएगा बीजेपी रूल स्टेट में। तो जब इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया गुजरात का, तब इसको शक हुआ कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है और हम लोग शायद अब किडनैप हो चुके हैं और अब हमारे साथ ही बैठ के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करेंगे और फिर ये खरीद फरोख्त होगी, कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद इस शख्स ने जब इसको समय मिला, ये जैसे को मौका मिला ये वहां से बस से कूद गया और बस से कूदने के बाद ये 4 किलोमीटर पैदल गया है महाराष्ट्र तक पहुंचने के लिए, ट्रक में बैठकर आया है उद्धव ठाकरे को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए। ये एक्सक्लूसिव खबर है जो कि CNN न्यूज 18 के हवाले से है। इन लोगों को ये इंटरव्यू इस तरह का मिला है। आप जब राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हो तब आप उम्मीद करते हो कि सारे जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो हमारे साथ मिलकर काम करें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इन सब चीजों में मौका तलाश रहे हैं कि कब आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप किसी ओपोजिशन रूल स्टेट में सरकार गिराएं। आपको याद होगा कि जब पहली बार जब कोविड ने दस्तक दी थी भारत में, मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी क्योंकि वहां पर MLAs इधर से उधर किए जा रहे थे, वहां पर अपनी सरकार जब बना ली गई, जब ये इंश्योर कर लिया गया कि जी हाँ जी अब हमारी शिवराज सिंह चौहान की वहां पर सरकार बन गई है, तब इन्होंने सारा लॉकडाउन सारी चीजें शुरू की, मतलब सारी चीजें इधर से उधर हो जाए लेकिन सरकार हमारी किसी भी तरह से कहीं पर बन जानी चाहिए, ये पूरी प्राथमिकता रहती है इन लोगों की। मतलब आप देखिए इस वक्त क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं देश में के देश के इस वक्त हालात कैसे हैं, अर्थव्यवस्था की हालत आप देख लीजिए। आप सामने सामने 10 तरह की बातें जरूर बोलेंगे, आप सिर्फ अपने कैमरा के सामने 10 तरह के विजुअल्स हमको जरूर दिखा देंगे कि मैं यहां से बोतल उठा रहा हूं, मैं यहां से कचरा बीन रहा हूं, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं है। सिर्फ आपकी इमेज बनाने की जो खबरें हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और आप जनता जरा ऐसी खबरों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, सवाल करना शुरू कीजिए। जब तक आप सवाल ही नहीं करेंगे तो ये आपको यही सब चीजें दिखाते रहेंगे कि कैमरा 10 कैमरा लगे हुए हैं, उसमें मैं किस किस एंगल से कैसा दिख रहा हूं, मैं कब अपनी माँ को विश करने के लिए जा रहा हूं, देखिए मैं कहां पर ये क्या कर रहा हूं, यही सब चीजें फिर आपके सामने आएंगी। यू स्टॉप आस्किंग फॉर एनीथिंग दैट इज कॉन्क्रीट फॉर योरसेल्फ। आप कब पूछेंगे
जो इतने वादा किया था रोजगार का, 8 साल पहले वादा किया था, और अब 2 करोड़ से सीधे 10 लाख पर आ गए, और वो भी कैसे रोजगार दे रहे हैं आपको, आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा युवा जो है सड़कों पर आया हुआ है। कौन ये सवाल पूछेगा? युवा तो आप ही का है, आप ही के घर का है, या आप खुद है, कौन पूछेगा ये सवाल? क्या हमेशा हमारा ही दायित्व है कि आपकी तरफ से आपको सवाल बताया जाए कि आपको क्या पूछने चाहिए, और आपको क्या सवाल अपने सारे चुने हुए प्रतिनिधियों से लगातार करते रहने चाहिए? थोड़ा सा आप लोग जागिए और अपनी प्राथमिकता अपने इन लीडर्स को बताना शुरू कीजिए। आपकी प्राथमिकता ये है इस वक्त, प्राथमिकता देश को बचाना है। देश में ये नहीं है कि जी जगह जगह जहां पर एक स्मूथ गवर्नमेंट चल रही है उसको जबरदस्ती गिराना है। अगर यही आपकी प्राथमिकता रहेगी तो फिर आप सरकार बना के कर क्या लेंगे? सरकार आपकी बन जाएगी, व्हाट आर यू डूइंग? जहां पर आपकी सरकार बनी हुई है वहां पर आप कौन सा बहुत बड़ा हमको, बहुत बढ़िया हमको जो है शासन दे दे रहे हैं? क्या आपने बहुत ज्यादा तरक्की कर दी है कि आप अचानक से हमको उन स्टेट्स में जाकर लगे कि भैया हाँ हम लोग तो पता नहीं कहाँ आ गए, एक अलग ही ग्रह पर आ गए हैं, और ये ऑपोजिशन रूल स्टेट तो बहुत ही दरिद्र टाइप की हैं, इनमें तो हमको वैसा फील ही नहीं होता, ऐसा क्या दिखता है आपको? पूछिए ना ये सवाल, और नहीं पूछ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, फिर आप छोड़ दीजिए अपने आप को राष्ट्रभक्त कहना, छोड़ दीजिए, फिर आप ऐसे ही रहिए, आपके जब मुद्दे आएंगे तो चुप करके बस बैठ जाइएगा।